हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी पहली रिपोर्ट में जनवरी 2023 में तहलका मचाया था और एक बार फिर से भारत के लोगों की धड़कनें बढ़ा दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने नए खुलासे में दावा किया है कि विल्स ब्लोवर दस्तावेज से पता चलता है कि सेबी चेयरमैन की अडानी मनी साइफिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। वहीं अब हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप और सेबी चीफ की तरफ से साझा बयान सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com में सचिन शर्मा। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को मार्केट रेगुलेटर सेबी की मौजूदा चीफ माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दावा किया कि माधवी बूच और उनके पति की उस ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी जिसका इस्तेमाल अडानी ग्रुप ने धन की हेराफेरी के लिए किया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बरमूडा और मॉरिशस में स्थित इन फंडों पर कथित तौर पर गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का नियंत्रण था। इनका इस्तेमाल फंड में हेरफेर करके और स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने के लिए किया गया था। अब हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी चीफ और अडानी ग्रुप ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सेबी चीफ माधवी बूच और उनके पति धवल बूच ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि उनका वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है जो हमेशा से सबके सामने रहा है। बूच दंपत्ति ने एक संयुक्त बयान में कहा कि सेबी ने गैरकानूनी बातों के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ एक्शन लिया है और उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी के सवालों का जवाब देने के बजाय हमारा चरित्र हनन करने की पूरी कोशिश की है। बूच दंपत्ति ने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सेबी को सभी जरूरी वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं और उन्हें किसी भी अथॉरिटी के सामने अपना कोई भी वित्तीय दस्तावेज पेश करने में कोई एतराज नहीं है। इसमें ये दस्तावेज भी शामिल हैं जो उनके सेबी चीफ बनने से पहले के हैं। बूच दंपत्ति ने यह भी कहा कि हम पूरी पारदर्शिता के लिए सही समय पर विस्तृत बयान जारी करेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सेबी चीफ के पति धवल बूच खुद को खरीद और सप्लाई चेन के सभी पहलुओं में गहरा अनुभव रखने वाले बताते हैं। उन्होंने पहले कभी रियल एस्टेट या कैपिटल मार्केट में किसी फंड के लिए काम नहीं किया, फिर भी वह जुलाई 2019 में ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म और भारत के बड़े निवेशक ब्लैक स्टोन में वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर शामिल हो गए। धवल बूच ने IIT दिल्ली से 1984 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल बताती है कि वह फिलहाल ब्लैक स्टोन और अल्वारेज एंड मार्शल में वरिष्ठ सलाहकार हैं। वह 2019 से जुलाई 2019 तक वह ब्रिलस्कोन के CEO और महिंद्रा समूह के लिए ग्रुप टेक्नोलॉजी के इंटरिम प्रेसिडेंट भी थे। इन सबसे पहले उन्होंने यूनिलीवर में साल 2006 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद संभाला। वह जून 2019 तक कंपनी से जुड़े रहे। उनकी यूनिलीवर में उनकी आखिरी भूमिका चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की थी। अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग रिसर्च के हालिया आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इसको खारिज किया है। कंपनी ने हिंडनबर्ग के नए दावों की निंदा करते हुए कहा कि वह उन्हीं आरोपों को फिर से दोहरा रहा है जिनकी पहले ही पोल खुल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी मार्च 2023 में गहन जांच के बाद उसे खारिज कर दिया था। अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने जारी बयान में जोर देकर कहा कि हम फिर से इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना पूरी तरह से पारदर्शी है। इसमें सभी प्रासंगिक विवरण नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में बताए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आई है उसके बाद से आज तो रविवार है लेकिन कल शेयर मार्केट में बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, खासकर अडानी ग्रुप को लेकर के, क्योंकि पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के बाद से चारों तरफ से अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर थे धड़ाम से अचानक गिर गए थे। शेयर बाजार में काफ़ी तहलका मचा था। देखना होगा कल का दिन शेयर बाजार के लिए कैसा होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com।